नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हिंदू धर्म के अनुसार घरों में धूनी देने की परंपरा काफी प्राचीन है। धूप देने से मन को शांति और प्रसन्नता मिलती है, साथ ही मानसिक तनाव दूर करने में भी इससे बहुत लाभ मिलता है। घरों में धूनी देने के लिए कई तरह की चीजें आती हैं। आइए जानते हैं किस चीज की धूनी करने से क्या फायदे होते हैं। नए मित्रों से हमारा अनुरोध है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को दबा दें, जिससे कोई भी जानकारी अपलोड करते समय सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं आपका दोस्त सुधीर कुमार शास्त्री, आइए शुरू करते हैं। नंबर एक, कपूर और लौंग। रोजाना सुबह और शाम घर में कपूर और लौंग जरूर जलाएं। आरती या प्रार्थना के बाद कपूर जलाकर उसकी आरती लेनी चाहिए। इससे घर के वास्तु दोष खत्म होते हैं, साथ ही पैसों की कमी नहीं होती है। नंबर दो, गूगल की धुनी। हफ्ते में एक बार किसी भी दिन घर में कंडे जलाकर गूगल की धुनी देने से ग्रह कलेश शांत होता है। गूगल सुगंधित होने के साथ साथ दिमाग के रोगों के लिए भी लाभदायक है। नंबर तीन, पीली सरसों। पीली सरसों, गूगल, लोबान, गोघृत को मिलाकर सूर्यास्त के समय उपले जलाकर उस पर यह सारी सामग्री डाल दें। इससे घर में नकारात्मकता दूर हो जाएगी। नंबर चार, धूप बत्ती। यदि घर में पैसा नहीं टिकता है तो रोजाना महाकाली के सामने एक धूप बत्ती लगाएं। हर शुक्रवार को काली के मंदिर में जाकर पूजा करें। नंबर पांच, नीम के पत्ते। घर में सप्ताह में एक या दो बार नीम के पत्ते की धुनी जलाएं। इससे जहां एक और सभी तरह के जीवाणु नष्ट हो जाएंगे, वहीं वास्तु दोष भी समाप्त हो जाएगा। नंबर छह, षोडशांग धूप। अगर तगर, कुष्ठ, शैलस, सरकरा, नागर, चंदन, इलायची, तज, नख नकी, मुशीर, जटामासी, कपूर, ताली, सदनल और गुग्गल, ये 16 तरह के धूप माने गए हैं। इनकी धुनी देने से आकस्मिक दुर्घटना नहीं होती है। नंबर सात, लोबान धुनी। लोबान को सुलगते हुए कंडे या अंगारे पर रखकर जलाया जाता है, लेकिन लोबान को जलाने के नियम होते हैं। इसको जलाने से पारलौकिक शक्तियां आकर्षित होती हैं, इसलिए बिना विशेषज्ञ की सलाह से इसको न जलाएं। नंबर आठ, दशांग धूप। चंदन, कुष्ठ, नखल, राल, गुड़, सरकरा, नखगंध, जटामासी, लघु और छोद्र सभी को समान मात्रा में मिलाकर जलाने से उत्तम धूप बनती है। इसे दशांग धूप भी कहते हैं। इससे घर में शांति बनी रहती है। नंबर नौ, गायत्री केसर। घर पर यदि किसी ने कुछ तंत्र मंत्र करवा रखा हो तो जावित्री, गायत्री केसर लाकर उसे कूट कर मिला लें। इसके बाद उसमें उचित मात्रा में गूगल मिला लें। अब इस मिश्रण की धूप रोजाना शाम को दें, ऐसा 21 दिन तक करें। ऐसा करने से घर में सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। इसी के साथ सभी मित्रों को नमस्कार। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एवं कमेंट के माध्यम से हमें अपने विचार जरूर दें।